सिरमौर के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखार रहा है नाहन का इंडोर स्टेडियम। जिले में खेल सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा करोड़ों रुपए का बजट। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं की खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, नए खेल मैदान तथा इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत जिला सिरमौर में लगभग 7,23,00,000 रुपए व्यय कर नाहन के चंबा ग्राउंड में इंडोर स्टेडियम बनाया गया, ताकि जिला के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। ये जानकारी देते हुए जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी कार्यकारी मनोज शर्मा ने बताया, इस स्टेडियम के बनने से युवाओं को अपने खेलों के स्तर को सुधारने में बहुत मदद मिल रही है। इस इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, कबड्डी, टेबल टेनिस से संबंधित उच्च कोटि की गुणवत्ता युक्त सुविधा उपलब्ध है और स्टेडियम में युवा बरसात और धूप इत्यादि से भी अपने अभ्यास को जारी रख सकते हैं। नवभारत समाचार पावटा साहिब हिमाचल प्रदेश से अनुसार गुप्ता की रिपोर्ट। फुटबॉल प्रशिक्षक जिला युवा सेवाएं खेल विभाग नाहन में कार्यवाह के रूप में जिला खेल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जिस जगह आज हम खड़े हैं ये इंडोर स्टेडियम लगभग 7,22,00,000 रुपए की लागत से तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुका है। इसमें लगभग 100 के लगभग हमारे जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी के जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इसी प्रकार हमारा नाहन में जो 10 मीटर शूटिंग रेंज का कार्य है वो प्रगति पे चला हुआ है। साथ ही नाहन में टीटीकम स्क्वैश कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी चला हुआ है। हिमाचल सरकार और जैसे हमारी केंद्र की सरकार खिलाड़ियों के को खेल के लिए बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। इस इंडोर स्टेडियम के बनने से भी हमारे जो युवा है उनमें बड़ी खुशी की लहर है कि उनको एक अच्छे किस्म का जहां प्रशिक्षण प्राप्त हो सके ऐसा एक सिरमौर में इंडोर स्टेडियम तैयार हो चुका है। हमारे शूटिंग रेंज व टीटीकम स्क्वैश बनने से भी इन खेलों में भी खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे विभाग की हिमाचल सरकार की ओर से जो मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है उसमें भी हम स्थानीय विधायक की उससे 10,00,000 रुपए की राशि प्रत्येक वर्ष देकर खेल के मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार पिछले वर्ष की से मुख्यमंत्री युवा व खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी 15,00,000 रुपए की राशि से खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, जिसमें पिछले साल 3 खेल मैदानों का निर्माण जिला सिरमौर में किया जा रहा है। उसमें हमारे जो ओपन जिम की सुविधा भी बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी।